ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटे, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर हमने कल स्टार्ट किया था. तो मल्टीप्लायर प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लायर, हाउ डज मल्टीप्लायर वर्क, यानी हाउ डज दिस हैपन कि हम अपनी इकोनॉमी में जब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमारी इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, से 500 रुपए बन जाती है. So what is the mechanism behind it? There is one simple mechanism behind it, bete, and that is कि किसी एक person की consumption या किसी भी एक group की class की consumption दूसरे group की income बन जाती है. ठीक है. So whenever investment is made in the economy, दिस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, साथ साथ लिखते जाओ, ये आपने लिख लिया था कल, सो साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिख लो. चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम. ड्यू टू विच there is change in consumption. ठीक है. चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे इनकम बढ़ती है, उससे कंजम्पशन भी बढ़ती है. नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो खर्चा हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकम्स इनकम ऑफ अदर पर्संस. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकम्स इनकम ऑफ अदर पर्सन. हेंस चेंज इन कंजम्पशन लीड्स टू चेंज इन इनकम. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल डेल्टा सी, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन, फॉल्स टू जीरो. समझ लीजिए बेटे, आपने इन्वेस्टमेंट की, उससे किसी की इनकम बढ़ी. ठीक है. जिसकी इनकम बढ़ी वो अपना इनकम का कुछ हिस्सा खर्चेगा, तो उसने उसका कुछ पार्ट स्पेंड कर दिया, उससे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ी. हैव यू एवर थॉट जो आप खर्चते हो, जो आप पैसा, आप तो कहते हो अरे बड़ा खर्चा हो गया इस बारी, कहते हैं ना हम कई बारी बहुत पैसे खर्च दिए. आपने चलो रेस्टोरेंट गए, 1000 रुपए का बिल पे किया, वो आपका क्या है, खर्चा है. लेकिन वो रेस्टोरेंट ओनर की क्या है, वो उसकी इनकम है. ठीक है. तो जब उसकी इनकम, आपना आपका खर्चा उसकी इनकम बढ़ गई, इजंट इट, वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खर्चेगा. जब वो खर्चेगा तो वो किसी और की इनकम को बढ़ाएगा. ठीक है. तो जिसकी इनकम बढ़ेगी वो उसमें से कुछ पार्ट खर्चेगा. ठीक है ना. ये सर्कल तब तक चलता रहेगा जब तक कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन जीरो नहीं हो जाती. ठीक है. सो इसको हम और डिटेल में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे. आप नीचे लिख लीजिए, फॉलोइंग टेबल शोज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. फॉलोइंग टेबल शोज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर It is based on the assumption. It is based on the assumption that MPC of the economy is equal to 0.5. MPC of the economy is 0.5. You will be making
सॉरी डेल्टा सी आएगा इधर। आपको पांच कॉलम्स बनाने हैं बेटे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एक इकोनॉमी है, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने लेनी है आपको मल्टीप्लायर समझाने के लिए। क्या समझाना है हमने आपको, सिर्फ एक फैक्ट के 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट जब भी किसी इकोनॉमी में की जाती है तो उससे इनकम 100 रुपया नहीं बढ़ती, मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। 200 भी बढ़ सकती है, 300 भी बढ़ सकती है, 400 भी बढ़ सकती है, 500 भी बढ़ सकती है। कितनी बढ़ेगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एमपीसी के ऊपर। कल हमने यही फैक्ट किया कि मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन एमपीसी। देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। जिस इकोनॉमी का एमपीसी हायर होगा उस इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा ऑपरेट करेगी, यानी उस इकोनॉमी में इनकम ज्यादा बढ़ेगी। लेट अस सी, देयर आर टू इकोनॉमीज ए एंड बी। ए इकोनॉमी की एमपीसी 0.5 है और बी इकोनॉमी की एमपीसी 0.75 है। ठीक है, हमने दोनों इकोनॉमीज में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। दोनों इकोनॉमीज की गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। एज अ रिजल्ट दोनों इकोनॉमीज की इनकम बढ़ेगी, पर ए की कितनी बढ़ेगी और बी की कितनी बढ़ेगी। लेट अस से ए में एमपीसी कितना है, 0.5, तो ए में के की वैल्यू क्या रहेगी, 1 जस्ट वेट बेटे, 1 over 1 minus 0.5, 1 over 1 by 2, that is 2। यानी इस इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी 200 करोड़ रुपए। अब हम बी इकोनॉमी की बात करते हैं। बी इकोनॉमी में भी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी इनकम का 75% हिस्सा खर्च देते हैं। इनकी एमपीसी जो है वो हायर है एज कंपेयर टू ए इकोनॉमी। तो यहां पर मल्टीप्लायर देखो कितना ऑपरेट करेगा, 0.75 मींस 3/4, 1 over 1 minus 3/4, 1 over 1 by 4, दैट इज 4। यानी इस इकोनॉमी में इनकम 400 करोड़ रुपए बढ़ेगी। डेल्टा वाई विल बी 400 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब तभी आपने कभी इमेजिन किया, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब थोड़ा सा लिंक बनाओ, यूएस में इनकम मल्टीप्लाई ज्यादा होती है और आपको पता है यूएस के लोग बहुत ज्यादा खर्चते हैं, हमारे और उनके कंजम्पशन पैटर्न में कितना फर्क है, है ना। दे पीपल कंज्यूम मोर गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू अस, उनकी स्पेंडिंग ज्यादा है, हम सेव करके रखते हैं वो स्पेंड करते हैं। इंडियंस में सेविंग की हैबिट है, यूएस सिटीजन में कंजम्पशन की हैबिट है, तभी उनकी इनकम हमसे ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि सिंपल सा फैक्ट है, हम जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना ज्यादा लोगों की, दूसरों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है ना, मैंने अपनी इनकम में से 100 रुपए मुझे मिले, एक सिचुएशन है मैंने 50 खर्चे, मैंने आपसे 50 की गुड्स लिए, तो आपकी इनकम 50 बढ़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 75 खर्च देती हूँ तो आपकी इनकम 75 बढ़ेगी, आप 75 में से खर्चेंगे तो ज्यादा, अगर आप भी ज्यादा खर्चेंगे तो दूसरे पर्सन की इनकम ज्यादा बढ़ेगी। सो ये सर्कल चलता रहता है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका क्या पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। ठीक है,
कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा इकोनॉमी के एमपीसी के ऊपर. हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं. हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है. ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ही बारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ रुपए की, और ये जो इकोनॉमी है इसका एमपीसी 0.5 है. ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि इस इकोनॉमी में 100 की इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कितने गुना बढ़ती है. ठीक है, सो आप सबसे पहले ये आप टेबल बना लीजिए. टेक अ मिनट टू ड्रॉ दिस टेबल. राउंड्स डेल्टा आई इन रुपीस करोर, डेल्टा वाई इन रुपीस करोर, डेल्टा सी इन रुपीस करोर, डेल्टा एस इन रुपीस करोर. ठीक है, तो इन द फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोर इज मेड इन द इकोनॉमी. सपोज करो गवर्नमेंट ने एक प्लांट लगा दिया, प्रोडक्शन यूनिट लगा दिया 100 करोड़ रुपए का. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्शन यूनिट गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का लगाया, ये जिससे भी परचेज किया उसकी इनकम 100 करोड़ रुपए से बढ़ गई. ठीक है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, 100 करोड़ की इनकम बढ़ गई. अब जिस पर्टिकुलर क्लास की इनकम 100 करोड़ बढ़ गई और जिस इकोनॉमी में वो रह रहे हैं उसकी एमपीसी 0.5 है, इसका मतलब जब इनकी इनकम 100 रुपया बढ़ती है तो इसमें से 50 रुपए वो खर्च देते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये जो इनकम 100 करोड़ रुपए बढ़ी और एमपीसी 0.5 है, 50 करोड़ रुपीस ये जिनकी इनकम 100 करोड़ बढ़ी है, जिस पर्सन की बात कर लेते हैं चलो, वो 50 करोड़ रुपए स्पेंड कर देगा क्योंकि एमपीसी इकोनॉमी की 0.5 है. 50 करोड़ रुपीस वो स्पेंड कर देगा और 50 का क्या करेगा, 50 सेव करके रख लेगा. जो 50 उसने सेव किया बेटे वो आगे सर्कुलेट नहीं होना, वो एक तरह से लीकेज है. एक तरह से नहीं, वो लीकेज ही है, वो सिस्टम से बाहर निकल गया, वो सिस्टम में वापस नहीं आना. वेयर एज जो 50 रुपए उसने खर्चे, ठीक है, किसके ऊपर खर्चे, उसने क्या किया, 50 रुपए जिसकी इनकम 100 रुपया बड़ी थी, जिसको गवर्नमेंट ने 100 रुपए दिए, मेरे पास 100 का नोट आ गया, मैंने कहा अच्छा 100 रुपए बढ़ गए, मेरे पास 100 की इनकम आ गई, मैं ऐसे करती हूँ मैं कैंटीन में जाके समोसे खा जाती हूँ. ठीक है, तो मैंने 50 रुपए उसमें से खर्च दिए. कैसे खर्चे, मैंने कैंटीन वाले को 50 रुपए दे दिए. ये जो मेरा खर्चा है 50 रुपए का जो मैंने कैंटीन वाले के ऊपर किया, ठीक है, अब वो 50 रुपए सेकेंड राउंड में कैंटीन वाले की क्या बन गई, इनकम. वंस कंजम्पशन इज अनदर पर्सन्स इनकम. ठीक है, अब उसके पास 50 रुपए आ गए, वो क्या करेगा, उसके से कैंटीन में मिल्क खत्म हो रहा था तो उसने क्या किया, वो मार्केट में गया, उसने कहा कि क्योंकि ये जिस इकोनॉमी की बात करें यहाँ पे सबने आधा खर्चना है, आधा सेव कर लेना है आधा खर्च लेना है. ठीक है, तो उसने क्या किया, वो मार्केट में गया, उसने 25 रुपए के मिल्क के पैकेट्स ले लिए. ठीक है, और 25 रुपए उसने क्या किए, सेव करके रख लिए. अब जो सेव करके रखे वो तो लीकेज है, वो सिस्टम में सर्कुलेट नहीं आने होने, लेकिन जो उसने 25 रुपए के मिल्क के पैकेट खरीदे, ठीक है, जिससे भी खरीदे, वो उस पर्सन की क्या बन गई, इनकम. आपने जिसको 25 रुपए दिए
आपने खर्चा किया, उसके हाथ में आए, उसकी ये क्या बन गई? इनकम। ठीक है, तो 25 रुपीज उसकी इनकम बन गई। अब वो क्या करेगा, इसका आधा खर्च कर देगा और आधा सेव कर देगा। ठीक है, ये जो 25 रुपए है, इसने 12.5 किसी को पैसे देने थे, उसने उसको 12.5 पेमेंट कर दी या गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए 12.5 रुपए के। तो 12.5 उसने अपने पास सेव करके रख लिए। अब जो सेव करके रखे वो तो उसके घर के लॉकर में पड़े हैं, उसका कुछ नहीं होना, लेकिन जो 12.5 रुपए उसने खर्चे, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर, किसी और का इनकम, ये जिसके पास आए 12.5 रुपए, ये उसकी क्या बन गई? इनकम बन गई। ठीक है, अब इनकम का हम क्या करते हैं? वी कंज्यूम सम पार्ट, वी सेव सम पार्ट, बिकॉज एमपीसी 0.5, सो दिस पर्सन विल कंज्यूम हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ 12.5 एंड सेव हाफ ऑफ 12.5, 6.25 सेव करके रख लेंगे। ठीक है, तो जो उसने 6.25 खर्च दिए, जिसके ऊपर खर्चे, वो उस पर्सन की क्या बन गई? इनकम। वो अपनी इनकम का क्या करेगा? 3.125 खर्च देगा, 3.125 बचा के रख लेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, आगे चल जाओ, चलना है तो जो आपने खर्चा किया, इस पर्सन ने जो खर्चा किया वो किसी और पर्सन की क्या बन गई? इनकम। अपनी इनकम का वो क्या करेगा? 1.625 कंज्यूम कर लेगा, 1.625 सेव करके रख लेगा। ठीक है, द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल nth राउंड, टिल डेल्टा सी बिकम्स इक्वल टू जीरो, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, और nth राउंड में हमने इन्वेस्टमेंट, इन द एंड वी विल सी कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 100। तो एज अ रिजल्ट हमारी इनकम कितनी बढ़ी? अब जितना भी किया उतना ऐड कर लेते हैं, 150, 175, 187.5, ठीक है, 190 point something, इसको जब हम आगे तक चलते जाएंगे और इसका टोटल करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 200 rupees। इनकम 200 बढ़ी, इसको ऐड करेंगे ये 100 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 100 आएगा। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 rupees लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ 200 rupees, आउट ऑफ विच 50% इज कंज्यूम्ड एंड 50% इज सेव्ड। ठीक है, दिस इज हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, on the basis of simple mechanism that one person's consumption expenditure is another person's income. Yahan tak bete kisi ko, okay, so next topic bete, forward and backward working of multiplier. So hame itna pata chal gaya ki economy mein income investment hoti hai, badhti hai, to usse करके इनकम भी बढ़ती है और मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। दिस इज व्हाट फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज आया, एज अ रिजल्ट दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी इंक्रीज आएगा मल्टीप्लायर टाइम्स, इसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। Now, vice versa is also true. यानी अगर इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करते हैं,
तो ऑब्वियसली इनकम भी डिक्रीज होगी। आप एक प्रोडक्शन यूनिट अपना बंद कर दोगे बेटे तो उससे क्या होगा, उसमें जो लोग काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनकी इनकम कम हो जाएगी, है ना। अब लेट अस से आपने 100 करोड़ का प्लांट था जो बंद कर दिया, तो एज ए रिजल्ट क्या इनकम भी 100 करोड़ से कम होगी? नहीं, इनकम विल डिक्रीज बाय मल्टीपल टाइम्स। दिस इज बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। सो राइट इट डाउन, विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज रेफर्ड टू एज, दिस इज रेफर्ड टू एज फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। दिस इज रेफर्ड टू एज फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इसको हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे। एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पर एएस एडी। आंख बनाएंगे 45 डिग्रीज एएस कर्व और एडी कर्व। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एडी कर्व थोड़ा सा ये ज्यादा स्लांट बनाया करिए, तभी क्लैरिटी आएगी। ये एडी विच इज इक्वल टू सी प्लस आई। हेयर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एस इज इक्वल टू एडी। ये इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो ओ एन लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अब हमने इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की डोज दी, जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स। सो न्यू एडी कर्व विल बी दिस, नया एक एडी कर्व बनाएंगे जो कि पुराने एडी कर्व के पैरेलल है। ए डी डैश इक्वल्स सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ठीक है। अब ये नया एग्रीगेट डिमांड आ गया तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एएस कर्व को एट पॉइंट E1। इसका मतलब अब हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, पहले यहां पर एडी एएस के बराबर था, अब एडी में चेंज आ गया है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की डोज दे दी है, तो हमारा एडी कर्व ऊपर को शिफ्ट कर गया है। अब हमारा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया, जहां पर एएस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट E1। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, सॉरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस टू ओ एन वन। इक्विलिब्रियम लेवल भी हमारा नया आ गया ओ एन वन। तो बेटे एक्चुअली में क्या हुआ, हमने इतने की इन्वेस्टमेंट की, जितना इंक्रीज आया वो किस करके आया, इन्वेस्टमेंट करके आया। सो दिस इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एज अ रिजल्ट दिस मच एन एन वन इज द इंक्रीज इन इनकम। एंड यू कैन सी दैट इंक्रीज इन इनकम इज मच मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। लिख लीजिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट इंक्रीज इन इनकम इज मच मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर।
कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे इनकम भी इंक्रीज होगी और मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगी। अब लिखिए बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, विद डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो डिक्रीजेस, इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो डिक्रीजेस। दिस इज रेफर्ड टू एज, दिस इज रेफर्ड टू एज बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, this is referred to as backward working of multiplier। तो बेटे same diagram है, बस वहां पर पहले ये बनाया था फिर ये बनाया था, पहले ऊपर वाला बना लेना हमने, ठीक है। so पहले AD curve ऊपर वाला बनाएंगे, AD C plus I, ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करनी पड़ गई, एज अ रिजल्ट एडी कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, एडी डैश इक्वल सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। अब हमारा एडी कम हो गया, सो ये ए एस के इक्वल यहां पर आके बैठा ई वन पे, ठीक। देखो कितने की इन्वेस्टमेंट हमने कम की थी, इतने की, एज ए रिजल्ट हमारी इनकम इतनी कम हो गई, एंड यू कैन सी डिक्रीज इन इनकम is more than the decrease in investment। बना लीजिए, जितना आप ये ज्यादा स्लांट बनाएंगे ना उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा। जितना स्लांट है इसका मतलब एमपीसी उतनी हाई है, एमपीसी जितनी हाई होगी उतना मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डायग्राम दैट decrease in income is much more than, sorry, decrease in income is much more than decrease in investment, ठीक है बेटे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, and on Monday there will be test of chapter infrastructure, so do prepare well।